अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे जी। माशाल्लाह से ये कॉलोनी, माशाल्लाह से फिंच की कॉलोनी बहुत ही एक्टिव माशाल्लाह नज़र आ रहे हैं, आप भी देख सकते हैं। और ये मैंने स्टार्ट किए थे, मेरे साथ 3 फिंच थे, अभी माशाल्लाह से 10 पेयर या 12 पेयर होंगे वाइट चिक और ब्लैक चिक के साथ। तो एक और मटकी में यहाँ पर एक नए पेयर ने अंडे दिए, ये अंडे वहाँ नजर आ रहे, 3 अंडे दिए, एक और अमूमन 4 अंडे देते, 4 अंडे दिए। और यहाँ पर कुछ बच्चे हैं और अच्छी खासी इन्हें फीड करवाया है, ये देख 3 बच्चे हैं, एक अंडा पड़ा हुआ है और बाकी मटकियां खाली है क्योंकि बच्चे निकल गए इनसे। अभी दोबारा से फिंच को ब्रीडिंग के लिए रेडी करने का एक आसान तरीका है, पहले भी मैंने शेयर किए, तो ये है कि मुझे ये मटकियां खाली करना है। जब ये खाली हो जाएंगी फिंच जब दोबारा से नेस्टिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली ब्रीडिंग के लिए रेडी होंगे। ये मटकी मैंने खाली कर दी, इन दोनों मटकी में बच्चे हैं और एक में अंडे, और इस मटकी को भी खाली कर दें। बहुत ही ज्यादा नेस्टिंग कर रखी, और ये मटकी भी साफ हो गई, इसे भी साफ करते हैं। यहाँ पर कुछ मुश्किल होगा, ये बॉक्स है और ये चले भाई, ये बॉक्स भी खाली हो गए। ये तो मेरा तजर्बा है कि भाई जब ब्रीडिंग दोबारा से स्टार्ट करवाना है तो आपने जो पहले से मटकियाँ जो नेस्टिंग है उनके उसको नेस्टिंग के साथ आपने निकाल देना है, खाली कर देना है मटकी। चले ये कि ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसमें इंशाल्लाह, उम्मीद तो यही है इनमें अंडे होंगे। बाकी फिंच तो आपके सामने माशाल्लाह से बिल्कुल हेल्थी, ये देखें बच्चे भी माशाल्लाह से हेल्थी है। चले अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अगले वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।